नमस्कार, मैं हूं सपना श्री। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको देती हूं ज्योतिष, वास्तु, ध्यान और योग से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। तो यदि अक्सर आपके सिर में दर्द रहता है, यदि अक्सर आप माइग्रेन पेन से पीड़ित रहते हैं, या आती जाती सर्दी से सिर में भारीपन हो जाता है, या छोटी छोटी बातों को भी आप ज्यादा टेंशन के तौर पर ले लेते हैं, तो आज आपको एक खास ध्यान का अभ्यास सिखाती हूं। आपको करना क्या है, प्रतिदिन जब आप उठते हैं प्रातः 5 से 7 मिनट तक आपको अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र कहाँ होता है, हमारी दोनों आईब्रोज के ठीक सेंटर में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है, जिसे इंग्लिश में हम एनर्जी सेंटर कहते हैं। इसी आज्ञा चक्र से आज्ञा लेकर हमारा पूरा शरीर काम करता है, यानी हमारे सोच विचार, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स, जीवन में हमारे डिसीजंस या जो भी चीजें हमें पसंद या नापसंद हैं, उन सबको गवर्न करता है, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को गवर्न करता है हमारा आज्ञा चक्र। और कहीं ना कहीं आपके आज्ञा चक्र के एनर्जी फ्लो में किसी प्रकार की ब्लॉकेज आ जाती है, जिस वजह से आप कभी उदास रहने लगते हैं, कभी डिप्रेशन में रहने लगते हैं, और फिर कभी कभी आपके सिर में, कभी कभी क्यों, अक्सर आपके सिर में दर्द रहने लगता है। तो ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत कारगर है। सुबह उठिए और ध्यान से आपको खुली हवा के नीचे भी बैठ सकते हैं, या अपने घर का कोई ऐसा कोना जहां पे आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर सके। अपने घर के मंदिर में भी बैठ सकते हैं, अपने घर के ईशान्य कोण में बैठ सकते हैं। आपको बैठना है और अपने आज्ञा चक्र पर गहरे नीले रंग का एक फ्लावर, यानी एक फूल इमेजिन करना है। पूरा खिला हुआ एक फ्लावर है और उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में घुमाना है। अक्सर मेरे पास लोगों के मेल्स आते हैं कि मैडम, ये मूवमेंट कैसे समझें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फर्क कैसे समझें? तो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप स्वयं घड़ी हैं, यानी आप अपने आप को एक क्लॉक समझिए, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? यदि ये 12 की सुई है, तो यहां से आप 9, 6, 3, 12, यानी अपोजिट, जब आप उल्टा घूमते हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो आपको सबसे पहले इस फ्लावर को 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ महसूस करना है। मन ही मन ये सोचना है कि इसके इस मूवमेंट के साथ मेरे सिर का दर्द दूर हो रहा है। फिर आपको कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स होके इस फ्लावर को यहीं इमेजिन करना है, और इस बार आपको इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी जिस प्रकार सुई की, घड़ी की सुइयां सीधे तौर पे घूमती हैं। तो जब आप इसे 11 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसा करने से यदि आपके आज्ञा चक्र में किसी भी प्रकार से कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो दिनों दिन ये मेडिटेशन करने से आपकी वो ब्लॉकेज दूर होगी और आपकी बॉडी की टेंडेंसी जो सिरदर्द की बन गई है, वो बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकेगी। तो देखा आपने कैसे हमारे योग में, हमारे ध्यान में ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आपको दवाइयों से दूर रख सकती हैं। तो यदि सच में जीवन को दवाइयों से दूर करना है, तो चलिए ध्यान की ओर। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।